शनिवार को राजवाड़ा स्थित कांग्रेसी नेताओं के धरने के बाद देर शाम उनके खिलाफ सराफा थाने में प्रकरण दर्ज हुआ, जहां आज यानी कि रविवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित तीनों विधायक जीतू पटवारी, विशाल पटेल और संजय शुक्ला थाने में खुद गिरफ्तारी देने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वह राजवाड़ा पर देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा द्वेषपूर्ण तरीके से उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उनके मुताबिक कानून का पालन करते हुए आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित तीनों विधायकों ने सराफा थाना पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि थाने के बाहर ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया। ये देखिए प्रशासन में एसपी भी कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब आज देखिए कोई अधिकारी हमारे पास आने में डर रहा है, हमको कागज देने में डर रहा है, इसलिए डर रहा है कि हम कब हमारा ट्रांसफर हो जाए, क्या हो जाए। तो इसका मतलब ये है अंग्रेजों के जमाने में जो शासन चलता वो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से चलवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार चला रही है। अधिकारी आईएएस आईपीएस नहीं है, आज देखिए सब लोग डर गए, उस डर को दूर करने के लिए आज उनके पास आए जिनने हमको कार्रवाई करी। एसपी एसडीएम को बेचारे ने वो हमको सम्मान करने आए थे, हम धरने पे नीचे बैठे हुए थे जमीन पे, तो जमीन पे नीचे झुक के हमसे बात कर रहे थे तो उनको ट्रांसफर कर दिया, ऐसा हो गया, स्थिति हो गई है। तो आम आदमी जनता के साथ क्या होगा, जो जनप्रतिनिधि एक हम जनता के लिए बैठे थे जो हजारों लोगों को जो बाजू चल रहा पूरे ये हो चुका है। कल मैंने चार लोगों को एक दिन साथ बात करी है, चार लोग बीमार हो चुके हैं, चार लोग उल्टी हो रही है, तो मैंने उनसे करा कि आप लोगों से जाँच करवाए, मैं जाँच कराऊंगा, इसमें कोई मरता है और कुछ भी करता है इसमें जवाबदार पूर्व विधायक होंगे या मुख्यमंत्री खुद होंगे इसके जवाबदार। संजय भी आप विधायक हैं, आप कुछ गिरफ्तारी देने कल जैसा आपको मालूम है कि एक धरना दिया गया था राजवाड़ा के जो अहिल्या माता जी की प्रतिमा है उसके नीचे, और जैसा आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और धारा जो 144 है उसके तहत में विस्तृत एक ऑर्डर जारी किए गए हैं और कोई भी धरना जो है वो बिना परमिशन के नहीं हो सकता है। इसी कारण से पुलिस द्वारा अपराध कायम किया गया था। आज जो है संजय शुक्ला जी विधायक जो है और मनोज पटेल विधायक विशाल पटेल और कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष है विनय बाकीवाल जी, ये आए थे थाने पर आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और उनका विधिवत जो है जो नोटिस तामील कराए जाते हैं वो कराए गए। सुदर्शन गुप्ता की गिरफ्तारी इस बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं क्योंकि मेरा क्षेत्र का मामला नहीं है। वो जो कि इन दो शहर के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, साथ में संगठन का प्रमुख होने के नाते हम चारों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम मौन धरने पर बैठे हुए थे। हमारी ये मांग थी कि जिस सुदर्शन गुप्ता जो 2500 लोगों को इकट्ठे करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए उस पर मुकदमा 24 घंटे तक तो दर्ज नहीं होता है, वो दर्ज भी होता तो अज्ञात नाम से, फिर बाद में जब कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती तो उसमें 188 के मुकदमा दायर हुए थे। जबकि वो जो क्षेत्र था रंजन कॉलेज वो कॉलोनी उस पूरे इलाके में कंटेनमेंट इलाका था, वहाँ पे अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लोग पॉजिटिव वहाँ से निकल चुके हैं। क्या सुदर्शन गुप्ता जवाबदारी लेता है कि वो जो 2500 लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा कि वो सब सुरक्षित रहेंगे? कल से वो बीमार होते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव निकलते, उसके जवाबदार कौन? क्या इंदौर की जनता को आपने मारने के लिए छोड़ दिया? प्रशासन ने लॉकडाउन खत्म कर दिया और कह दिया कि आप आपके हिसाब से जियो और आपके हिसाब से मरो। ये सब मांगों को लेकर कल हमारा मौन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें इंदौर शहर के तीन चुने हुए प्रतिनिधि, लाखों के प्रतिनिधि करते हैं, हम तो हमारे शांति से हमारा वो कर रहे थे। उसके एक दिन पूर्व हम परमिशन मांगते हैं शासन से, शासन हमें परमिशन नहीं देती है और हम 24 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ऐसी दोहरी नीति क्यों अपना रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है? अब तो ऐसे लगने लगा है कि आपातकाल इंदौर शहर में लागू हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो कहते हैं वो अधिकारी लोग उनके आगे पीछे घूम कर काम करने लग गए। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि एक संगठन के प्रमुख को गिरफ्तार करने के आज हमको यहाँ पर मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। इसके हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद ये जो धारा लगाई है वो हमें गलत लगाई है, झूठी कार्रवाई है, इसके ये अपराध निंदनीय है। जीतू पटवारी जी भोपाल में है, किसी वो
टेस्ट कराएंगे, पहले करना टेस्ट उसके बाद सिंधु। कल हमने कल हमारे मुखिया प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी से कल आपको हमारी चर्चा हुई। ये हम तो झूठा, आप खुद गवाह इस चीज़ के, सारे मीडिया गवाह है कि हम कितना मोहन नारायण धोन से कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। वो बेचारे अधिकारी आते हैं हमसे चर्चा करने, क्योंकि उसने मास्क पहन रखा है, आवाज़ आती नहीं है, तो नीचे बैठ गए, उन्होंने हमसे चर्चा करी, रात को 11 बजे उनका ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल हमारी मांग है कि सुदर्शन गुप्ता को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उस पर और धारा भी बढ़ाई जाए, 279, 269, 270, 271 धारा बढ़ाई जाए कि कोविड में आपने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ाते हुए लाखों हजारों लोगों के साथ खिलवाड़ किया।